साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सामने आ गईं। शहबाज शरीफ ने 5 बरस में 40 गैर मुल्की दौरों के खराजात खुद बर्दाश्त किए। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा अब तक 14 जाने और 1 अरब 22 करोड़ डॉलर खा गया। पंजाब असम्बली में मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट देखिए इखलाक बाजवा की। पंजाब असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जून 2013 से मई 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए। तमाम अखराजात उन्होंने अपनी जेब से अदा किए। साबिक वज़ीर-ए-आला के हमरा गैर मुल्की दौरों पर जाने वाले सरकारी अफसरान के अखराजात हुकूमत ने अदा किए। असम्बली इजलास में ऑरेंज ट्रेन मनसूबे पर लागत की तफसीलात भी पेश कर दी गयी। रिपोर्ट में बताया गया है की ऑरेंज ट्रेन लाइन मनसूबे की तामीर के दौरान 14 इंसानी जानें जाया हो चुकी। जाबहक अफराद के लोहे को फीकस 21,78,000 रुपए अदा किए गए और ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए 1,065 कनाल अराजी एक्वायर की गई। मेट्रो बस सर्विसेज के हवाले से भी रिपोर्ट में बताया गया कि मंसूबे पर 29 अरब रुपए से जायद के अखराजात हुए। इस वक्त 64 बसें रूट पर हैं। गुज़िश्ता माली साल में बस सर्विस पर 3 अरब रुपए के अखराजात आए। सूबाई हुकूमत ने 2 अरब 26 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा करते रहे हैं की मेट्रो बस मनसूबे पर 70 अरब रुपए अखराजात किए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान तारिक के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़।